राम 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 राम। ओ भाई पानी आ गया नीचे, आवाज आ रही है पूरी नीचे से ब्रिज से। ये मेरा खुद का रुपया से हम बनाई है। यहाँ पे तो मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, ना कोई इंसान दिख रहा है। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्कवरी का ना बियर ग्रिल्स बन गया हूँ, मैन वर्सेस वाइल्ड। मेरे को जाना है पानी की तरफ और मेरे पास एक नक्शा। चलो आज हो जाए फिर। सुबह सुबह भी मेरा काम चल ही रहा था, इतने में मेरे को बाहर से आवाज आने लगी है कुछ, और आज का प्लान चौपट। नाउ इमेजिन यू आर लिविंग इन अ बैम्बू हाउस। आज मेरे काफ़ी सारे प्लान थे, अभी मेरे को निकलना था, मैं रेडी हो रहा था निकलने के लिए। भैया बता रहे थे यहाँ पे समर्स में पूरा पानी भरा हुआ होता है, वो पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे बैम्बूज ये सारे पानी के अंदर होते हैं। पानी के ऊपर हम रहते हैं, हमारे पैरों के नीचे भी पानी होता है, जो कि शुरू हो गया है अब। और यहाँ पे पूरी ग्रीनरी हो जाती है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर जब पूरा ग्रीन हो जाता है ये। थोड़ी देर में अगर रुक जाए तो अच्छा होगा, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँगा। आज मेरे को यहाँ की ट्राइबल विलेज एक्सप्लोर करनी थी, जो यहाँ की जो मेन ट्राइब्स हैं, जो उनका रहना है, जो उनका कल्चर है, जो वो बिल्कुल ऐसे उस तरीके से रहते हैं अपने ट्राइबल कल्चर में, तो वो सारी चीज़ें मेरे को आज देखनी थी। भगवान प्लीज़ 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 थोड़ी देर बरस लो, आपकी भी मैं सुनूंगा, आप मेरी भी सुन लो प्लीज़ थोड़ी देर बस। बाहर अभी बारिश तो रुक गई है, पर एक और अभी थोड़ी सी ना दिक्कत आ गई है फ़ोन के अंदर की। फ़ोन की ना स्टोरेज मेरी ना फुल हो गई थी, जो भी मेरा आईफोन की स्टोरेज है उसको मैं ना डेली ट्रांसफ़र करता रहता हूँ इंटेल यूनिसन की ऐप के थ्रू। तो डेली तो नहीं, मतलब कि हर 2-3 दिन के अंदर। अभी मैंने सारा का सारा अपना डेटा भी डिलीट कर दिया था जो कि मैं ट्रांसफ़र कर चुका था, पर जो मैंने जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ जो भी मैंने डिलीट करी हैं रिसेंटली डिलीटेड में से भी डिलीट कर दी, क्योंकि मैं सारा डेटा अपने लैपटॉप में डाल चुका था, यही मैं रोज़ करता हूँ। पर अभी भी मेरा वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है स्टोरेज ना आईफोन में, उसके अंदर कमी नहीं हो रही, मतलब पूरा का पूरा फुल दिखा रहा है, वो नीचे जा ही नहीं रही है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर अभी मेरे को लगता है कि मेरे को रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी जो भी थोड़ा बहुत और डेटा है उसको मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं ट्राई करते हुए, पर देखो अब क्या होता है। बाकी अभी काम चल रहा है, प्रोसेस में है, जैसे ये हो जाएगा मेरा आईफोन मैं रीसेट करके और यहाँ से निकल जाऊँगा आज को एक्सप्लोर करने। आज का जो भी है, आज थोड़ी बहुत धूप निकलनी शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल से अभी आधा एक घंटा तो और लगेगा। अभी 9:25 हो गए हैं, तो अराउंड 10:30 मेरे को हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी सुबह के अराउंड 10 बज चुके हैं, मैं एक बार भैया के पास जा रहा हूँ एक बार सारी चीज़ों का पता करने के, आज मेरे को कहाँ कहाँ पे जाना है, कैसे कैसे क्या क्या एक्सप्लोर करना है, पूरा रूट के बारे में पता लगाने। तो चलते हैं फटाफट से, पूरा जो भी रूट प्लान है वो भैया की वहाँ पे है रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे जाके पता चलेगा सारी चीज़ें। ये क्या है? हल्दी? हाँ, घर का। इसको मिक्सी में ग्राइंड करके बहुत अच्छे से सुखाना पड़ेगा, धूप नहीं है ना? हाँ धूप नहीं है, इसलिए ऐसा है। धूप होने से 5-6 दिन में हो जाएगा। ये घर पे ग्रो करते हो? हाँ घर पे। अच्छा, घर का हल्दी टेस्टी अलग है। हाँ टेस्टी, बहुत ज्यादा लगाने से भी वो तीता नहीं होते हैं, स्मेल भी अच्छी है। थैंक यू। मनजीत भैया कहाँ पे? भैया यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका घर बन रहा है? इतना औकात नहीं है मेरा। गवर्नमेंट एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, एक्सीडेंट होगा और वहाँ पे ऑफिस होगा पुलिस का। पुलिस का ओके, मेरे लिए अच्छा होगा,
क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा सिल्लाने वाला गैस भी आता है ना। हाँ, सीधा ही पकड़ कर देगा। बताओ फिर आज का। आज आप तो कल मोनास्ट्री देखा है ना। हाँ जी। आज आप साइकिल लेके कितना टाइम लगेगा वैसे पूरा आज का में? ये आप डायरेक्ट जाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ, विद इन 2 आवर्स में आपका डायरेक्ट मतलब साइकिल चलाने पे ना। अच्छा। लेकिन आप साइकिल चलाएंगे, धीरे धीरे बैठेंगे, नजारा देखेंगे, फोटो खींचेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो ये टोटल कितने किलोमीटर है वैसे? ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसा मेरा पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ जी। और ये करेंगे तो आपका 12 से 15 किलोमीटर होगा। अच्छा, इतनी साइकिल चलानी पड़ेगी? हाँ, 12 टू 15 किलोमीटर ज़्यादा नहीं। अच्छा। और अगर 4 पे आपको पहुंचने के बाद ना आपको लगे तो मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं और चला सकता हूँ, तो आप 5, 6, 7, 8 कर सकते हैं। ओके। और लेकिन आप यहाँ पे पहुँचने के बाद ना आपका टायर्ड फीलिंग होने पर ना, नहीं मैं चला नहीं पाऊँगा, तो 4 से 8 आप कर सकते हैं। ठीक है। 4 to 8, 8 से 9। ठीक है। जो वो फर्स्ट आपको जाना है व्हाइट सैंड बीच। हाँ, माजुली। ओके। व्हाइट सैंड बीच डालने पे ना ये रास्ता आपको दिखा देगा, आपको यहाँ पे ले जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद दो के बारे में पूछना पड़ेगा ऑन द वे, ढेर सारा लोग मिलेगा ना। हाँ। दो है आपका डांबुकियाल घाट। ओके। और ये घाट मतलब फेरी पॉइंट। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पूछना है लोगों को मतलब टीन के बारे में। टीन है डांबुकियाल गांव, गांव मींस विलेज। ओके। और दो और टीन के बीच ना एक छोटा सा रिवर है, वहाँ पे बैम्बो ब्रिज है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा साइकिल से। हाँ, ठीक है। और उसको क्रॉस करने के लिए मिनिमम वो लोग 30 रुपीज़ चार्ज करेगा, 30 to 40 रुपीज़ वन टाइम। उसके बाद आप 1000 टाइम आप क्रॉस करेंगे ना, वो चार्ज नहीं लेगा। ओके ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूछना पड़ेगा आपको पाथोरीसुक गांव। अच्छा, पाथोरी पाथोरीसुक गांव। अच्छा, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होना पड़ेगा। ठीक है। पाथोरीसुक गांव, पाथोरीचुक, पाथोरीसुक गांव। हाँ, ठीक तो है, लोग बता देगा आपको। और 3 to 4 यहाँ पे आपको एक यहाँ पे भी एक रिवर मिलेगा, वहाँ पे एक बोट मिलेगा और रूप्स मिलेगा बैंक टू बैंक, और खींच खींच के ले जाएंगे आपको यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे साइकिल भी उसके ऊपर ही, साइकिल ऊपर ही, और वहाँ पे भी 30-40 रुपीज़ चार्ज करेगा। उसके बाद 4 to 5 आपको जाना है तो आपका सोच है। ठीक है। 6, 7, 8 ऐसा आपका। ठीक है। लेकिन आप जा पाएंगे तो रियल माजुली आपको निकल के आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या है? ये भी गांव का बीच ही है, ये भी बीचेज है जैसे ये है। हाँ, गांव का बीच जाना पड़ेगा। अच्छा, गांव के अंदर अंदर से आप उसका एक्सप्लोर करके करके। अच्छा। और यहाँ पे भी एक मतलब छोटा सा वो मिलेगा, छोटा सा बोट, वहाँ पे भी आपको क्रॉस करवाने के बाद आपको क्रॉस करने का जरूरत नहीं है। 6, 7, 8, 9 आपको डायरेक्ट। ये क्या इनके ऊपर क्या बाइक भी रख लेते हैं? हाँ। अच्छा, पर मेरी बाइक में दिक्कत हो सकती है? नहीं 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 नहीं, कोई सी बाइक आपका बाइक जैसा मतलब मिनिमम 6, 7 आराम से एक ही साथ पे ले जाएगा। अच्छा, और इस पे भी बाइक जा सकती है? हाँ, वहाँ पे भी। टूटता तो नहीं है? टूटेगा तो कौन? तो फिर तो मैं बाइक पे ना कर लूँ, फटाफट हो जाएगा। बाइक पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे चलाना, संभाल के चलाना पड़ेगा आपको। मतलब साइकिल होने पे मतलब आराम से आप देख देख के ऐसे ऐसे करके घूम घूम के। अच्छा। रुक रुक के। हाँ, और अगर मैं मतलब आज जैसे मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ, तो क्योंकि मेरा थोड़ा काम भी है, बाइक ले जाऊँ ना। बाइक ले जाइए। वैसे आप साइकिल प्रेफर करते हो? बेसिक साइकिल ट्रैक है तो ठीक है, पर मैं बाइक लेके जा सकता हूँ। ठीक है। और ये मतलब पूरा रॉ है, यहाँ पे कोई मॉडर्नाइज नहीं। अच्छा, पूरा रॉ है। हाँ। अच्छा। इसलिए सबसे बाइक बेस्ट है, लेकिन आप बाइसिकल बेस्ट है, लेकिन बाइक भी जा सकते हैं आपको। ओके। लेकिन बाइक जाने पे आपको मेन रास्ते पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम छोटा रोड है ना, मार्ड हुए है, कोई कॉन्क्रीट हुए नहीं। अच्छा, वहाँ पे चांसेस है गिरने वाले के चांस नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई काम नहीं है ना, धाय ढूंढ कर जाके आप नहीं, मैं आराम से रुकता हुआ देखता हुआ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है बाइक पे भी। और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फोन कीजिए। ठीक है, फोन तो आपका नेटवर्क तो लगेगा ही। मेरा लगेगा यहाँ पे? नहीं, मेरा तो नहीं होगा ना वहाँ पे, देख लीजिए। थैंक यू, होपफुली मी लगे। डेट्स ऑल अबाउट टूडेज प्लान, और आज मेरे को ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ओके, सो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सुबह के 11 बजने वाले हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगा माजुलीज किचन पे, और फ़ोन के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, फ़ोन की स्टोरेज क्लीन नहीं हो रही थी, वो मेरे को पूरा का पूरा रीसेट करना पड़ा, पूरा का पूरा फॉर्मेट करा है। अब थोड़ी सी वीडियोज़ क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं सब मेरे फ़ोन की वजह से आ रहे हैं। अगर फ़ोन में अगर इशू आएगा तो शॉर्ट्स में इशू आएगा, वीडियोज़ में इशू आएगा, और वो मैं बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए
कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर आज हम एक्सप्लोर करेंगे द रियल माजुली, रियल माजुली विलेज, वहाँ की ट्राइब्स, जैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, जो रियल माजुली है उसका जो विलेज एरिया है वो वाला एक्सप्लोर करेंगे। सो आज का व्लॉग इतने स्टार्ट कर लेते हैं। सो विद दिस आई एम ईशान, वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स। मैं माजुली किचन पे आराम से बैठ के जब ब्रेकफास्ट करूँगा तब सारी चीज़ें देखूँगा, अपनी पूरी आइटिनरी कैसे, कितनी कितनी दूर है, कहाँ कहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे बैठ के आराम से सारी चीज़ें प्लान करके फिर आगे निकलेंगे। पर पहले ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट है, तो भूख भी लग रही है क्योंकि पता नहीं आज का दिन कितना लंबा जाएगा, कितना आगे क्या जाएगा, तो इसीलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद पूरा दिन एक्सप्लोर करो। क्लोज है यार माजुली किचन, तो कॉल करूँगे इनको एक बार। बस पूरा बंद रहेगा सर। अच्छा पूरा ही, ओके ओके ओके। हेलो ऑमलेट, ऑमलेट यस ओके। ऑमलेट कितने अंडे का होगा? एक अंडे ऑमलेट से 20। तो दो अंडे का कर दो पहले। पहले हाँ, फिर और चाहिए होगा और? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। This is the omelette I get here. यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो, गर्ल्स हॉस्टल, मीपो ओकुम गर्ल्स हॉस्टल। देखो यहाँ पे कितने सारे ऐसे बैम्बू ट्री हैं, मतलब बताओ बैम्बू भी ऐसे उगता है यार, मेरे को तो बहुत ऐसा लगता है लकड़ी उगी हो, खैर सारे ट्री की लकड़ी होती है, लकड़ी में उगते हैं, और ये पूरा एक गर्ल्स हॉस्टल है ऐसा पीछे लिखा हुआ था। मेरे को ऐसे कॉटेज बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी जिनका रूफ टॉप ऐसे होता है ना घास फूस का, देखो जैसे ये बना हुआ है, तो ये बड़े सुंदर लगते हैं यार, छोटे छोटे से हट सूखी हुई ग्रास से बनते हैं जो। यही है वाइट सैंड बीच। अब यहाँ से एक लोकेशन का पता करना है, बीच तो मेरे को कहीं पे दिख नहीं रही, तो एक लोकेशन पूछ लेते हैं इन भैया से। भैया दम्बुक्याल घाट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर होगा, 200-250 मीटर। 200 मीटर फिर राइट। हाँ थैंक यू। दम्बुक्याल घाट, थैंक यू। कितना सही लग रहा है ना सब कुछ। ओके सो इस रिवर को क्रॉस करके जाना है, और ये जो बाइक्स वगैरह आ रही हैं वो रहा ब्रिज, वुडन ब्रिज, वाओ। उस ब्रिज के साइड में कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, नीचे गए तो सीधा पानी में गए, नदी में। और अब जहाँ पे मैं बाइक चलाने वाला हूँ वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इस ब्रिज से जाना है अब देखो बाइक लेके, बैम्बू ब्रिज, जय माता दी। सब कुछ नीचे का दिख रहा है भाई मेरे को, तो मेरी बाइक चली जाएगी ना। अच्छा सेंटर सेंटर में चलानी है, सेंटर में बैम्बूज हैं, साइड में नहीं चलानी भाई। ओ राम 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 राम। ओ भाई पानी आ गया नीचे, ऐसा लग रहा है अभी जाएगा नीचे, खतरनाक आवाज आ रही है पूरी नीचे से ब्रिज से। ओके थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा सा लिटिल बिट। ये मेरा खुद का रुपया से हम बनाई है। ये जो आप मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हो ये भैया है यहाँ पे, इन्होंने खुद अपने पैसों से बनाया है, और भैया बता रहे हैं इसके बारे में सारी चीजें। और क्या क्या बता रहे थे भैया? ये मेरा खुद का रुपया से बनाया हम। कितना रुपया लगा बनाने में? बनाने से 9 दिन। 9 दिन? 9 दिन लगे। और कितना रुपया यहाँ पे? 230 मीटर है, 230 मीटर चौड़ा है। अच्छा वो जो बेम्बो को क्रिक करके ले आया है। हाँ। एक बेम्बो में 70 रुपया लिया, वो काटने वाला 30 रुपया लिया, तो लेबरिंग चार्ज से पूरा पैसा कितना लग गया? बना वो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए इस ब्रिज को बनाने में। मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, यहाँ पे तो डबल भी जाता है, तो डबल भी हम माना देता है, बेम्बो का तो ब्रिज है। दो बाइकें भी जाती है? जाता है। अच्छा तो आपने कब बनाया ये? ये 2 महीने हो गया। 2 महीने पहले बनाया क्या? अच्छा उससे पहले कुछ नहीं था आने जाने का? ओ, ये था। क्या था? नाव का था। नाव थी? वो जो सामने नाव लेके आ रहे हैं, इसको बरसात में इसके ऊपर पानी जाता है ना। अच्छा इसके ऊपर पानी जाता है? तो जो नौका, ये नौका देखा है ना?
हाँ हाँ ये नौ का बरसात में चलता है ये वाली अच्छा ये बरसात में चलता है इसके ऊपर भी यहाँ तक ये सब कुछ पानी में होता है इसके ऊपर भी तो पांच मोटरसाइकिल जाते हैं पांच मोटरसाइकिल अच्छा अच्छा ये इसका और यहाँ तक जो बरसात में यहाँ पे नाव में घूम नहीं सकते क्या सकता है कौन सी नाव में ये नाव नौका है कौन लेके जाता है दो आदमी कितना रुपए लेता है ओए दिख ला है ये हाय नेक्स्ट टाइम हम दो हैं तने आ जाओ दुगो है नहीं अभी टाइम नहीं है बुलाए ना थोड़ा सा भी नहीं घुमा सकता जो बरसात में इसको एक तो भी हम बेंबर नहीं निकल सकता है वो पानी में ले जाता है पानी में ले जाता है अच्छा हर हर बरसात में खत्म है फिर नया बनाओगे फिर नया बना हर साल बनाते हो हर साल बनाता है हर साल ढाई लाख रुपए लगाते हो लगाता है जो ये हमारा जो ब्लेस डेवलपमेंट कमिटी था सब टेंडर देता है जो जीता है अच्छा टेंडर देता है कम्युनिटी वाला और जो 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 इसको वो टेंडर मिलता है वो ये बनाता है ओके और हर साल जब भी बारिश आएगी फिर से ये बह जाएगा पूरा ठीक है ठीक है स्टूडेंट फ्री है मेडिकल जाने वाला फ्री है अच्छा स्टूडेंट और मेडिकल के फ्री है ओके आजकल तो विज्ञानी प्रौद्योगिकी विद्या के दिनों में आदमी बहुत डेवलप हो गया लेकिन ये एरिया देखो सही बात है कोई रास्ता नहीं है कम्युनिकेशन ठीक नहीं है बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड एरिया ये पहले लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट था अच्छा ये जो ये इस ब्लेस को बोला है डम्बुकियाल अच्छा ये डम्बुकियाल घाट हाँ ये डम्बुकियाल है बिल्कुल यह पहले जो ये जीपी तो पंचायत लुइट खाबुल जीपी था हाँ जी ये पहले लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है अच्छा अभी हमारा सीएम ने वो एक साल हो गया वो माजुली डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेशन कर दिया है अच्छा अच्छा ये मस्ती को से पतोरी चक गांव कहाँ पे इधर से जाना है 4 किलोमीटर उससे ज़्यादा है अच्छा यहाँ पे देखो सब लोग ऐसे घरों में रहते हैं बना के टीचर्स देखो सीमेंट वाले पिलर खड़े करते हैं और ऊपर पूरा फिर बैम्बू पतोरी चक पतोरी चक पतोरी 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 चक थैंक यू कैसे रहते हैं ना यहाँ के लोग देख रहे हो यहाँ पे घर ऐसे ही ऊपर ही होते हैं बढ़िया लग रहा है मेरे को रियल लाइफ में मैं पहली बार ऐसी चीजें देख रहा हूँ तो मेरे को सही में आजकल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब लोग मेरे को एक अलग ही तरीके से देख रहे हैं थोड़ा सा डर भी लग रहा है आगे तो मेरे को पानी दिख रहा है बस बाइक कहाँ पानी में जाएगी क्या यहाँ से तो मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा ना कोई इंसान दिख रहा है एक बाइक उधर से देखो जा रही है उधर तो नहीं जाना पता नहीं कौन सी जगह पे घूम रहा हूँ मैं पर घूम रहा हूँ कहाँ से जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा कोई लोग भी नहीं दिख रहे गाय दिख रही है अब गाय से क्या पूछूं ये जो देश है मेरा स्वदेश है मेरा आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्कवरी का ना बियर ग्रिल्स बन गया हूँ मैन वर्सेस वाइल्ड मेरे को जाना है पानी की तरफ अब मेरे पास है एक नक्शा चलो आज हो जाए फिर पानी की तरफ मेरे को बढ़ना है पानी से मेरे को यहाँ से फेरी लेनी है तो पानी की तरफ है हस्तिनापुर लोलिटी मोरांग एनसी और जुगीबड़ी गाँव तो पानी की तरफ बढ़ते हैं अपने आप पहुँच जाएंगे जहाँ पर भी अपनी मंजिल की तरफ
लेट्स गो। सो अभी जा रहे हैं यहाँ से काफ़ी रास्ते, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ते से मैं आया हूँ। तो मैं हूँ कहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा, कहाँ से कहाँ जाना है कोई दिख भी नहीं रहा मेरे आसपास, कोई दिख जाए तो कुछ पता भी चले। आई थिंक ये रास्ता जाता है, देखो उधर आग भी लग रही है, उधर से धुआं आ रहा है, मतलब वहाँ पे कोई लोग होंगे। चलो वहाँ पे चलते हैं, ट्रेजर हंट ब्रो, आज तो ट्रेजर हंट करेंगे। और जाना किधर से, यहाँ से ऐसे लग तो ऐसे ही रहा है। जय माता दी। ओ कोई बंदा दिखा मेरे को, हेलो उधर पातौरी, धन्यवाद। पातौरी, पातौरी चक, पातौरी नहीं पता, नहीं पता पातौरी गांव, नहीं पता, नहीं पता। एक बाइक आती हुई दिखी मेरे को, लूना लूना, इसी से पूछता हूँ। पातौरी, पातौरी, पातौरी किधर जाएगा? पातौरी चक गांव, पातौरी चौक सीधा लेफ्ट घाट है, नाव नाव पातौरी चौक सीधा लेफ्ट घाट। ओके थैंक यू। पातौरी चौक सीधा लेफ्ट नाव घाट पातौरी चौक, इसे कहते हैं माजुली को अच्छे से एक्सप्लोर करना, उनके गांव में खो जाना, उनके लोगों की भाषा समझना आना, ऐसी जगह जाना जहां कोई भी ना दिखे। बढ़िया, ये कोई नई विलेज आ गई है एक और। पातौरी चौक सीधा, आपको ऐसे ही पूछ पूछ के ही जाना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा आपको तब भी समझ नहीं आएगा, फिर भी आप यहाँ पे आके खो जाओगे, क्योंकि समझ तो मैंने भी सब कुछ रखा था, मैं भी तक हो गया। वाओ, ये नाव है, रस्सी से खींच के लेके जाते हैं बाइकों को इस नाव पे। ये है एक और नया एडवेंचर आज का, माजुली का, उसके अंदर ना, उसके अंदर बाइक को डालेंगे फिर रस्सी को पकड़ पकड़ के उधर लेके जाएंगे। यहाँ पे दो बोट हैं और उसके ऊपर ऐसे पूरा वो बना रखा है, एक बारी में चार बाइकें जाती है। मेरा नंबर इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि मेरे आगे चार बाइक है, तीन बाइक लेके जा रहे हैं तीन। क्या बढ़िया सीन है ना, लो भाई चल पड़े। क्या बढ़िया एक्सपीरियंस है ना यहाँ पे, एक साइड देखो वो ब्रिज बना रखा था, एक साइड ऐसे रिवर को क्रॉस कराते हैं माजुली। चलो भाई आ गया अपना नंबर, बस
चलो भाई आ गई हमारी मंजिल। चलो इधर से इधर जाना है सीधा सीधा। ये कैमरा है लोकेशन भी चेक करता है और कैमरा भी नहीं लोकेशन नहीं करता ये लोकेशन नहीं, नहीं। करता है। ये सिर्फ वीडियो बनाता है वीडियो बनाता है हाँ। हरियाणा हिमाचल ये सब वो आया मैं हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात इंडिया का सभी टैक्स का नाम लिखता है ना अभी सारा हो आया इधर आसाम भी है हरियाणा से बिहार हाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा वेस्ट बंगाल मेघालय मणिपुर छत्तीसगढ़ मे बी हाँ ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा है पर अच्छा है पर अच्छा है थैंक यू अच्छा लगा आप सबसे मिलके थैंक यू। मजा आया वो पूरा मैप पढ़ रहे थे अच्छा लगा यहाँ पे लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आपको पता नहीं देखने में कैसा लगता हो अगर अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और एक और चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो इस बोट पे कभी भी अपनी बाइक को लेके जाओगे या नहीं प्लीज़ कमेंट बिलो। ये है यहाँ की विलेजेस बार बार देखो मैं वैसे तो एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ पर विलेज सारी थोड़ी थोड़ी सारी की सारी सिमिलर सी ही हैं पर हैं इनके अलग अलग नेम। बाय बाय एक चीज़ का ध्यान रखना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपना खा पी के आना यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपको खाने को कुछ मिल जाए या कुछ भी बाकी बच्चे बहुत मिलेंगे। बाय बाय करते हुए आई थिंक ये एक बैम्बू विलेज आ गई है सब कुछ यहाँ पे देखो बैम्बू ही बैम्बू है बहुत सारे। चलो एक चक्कर तो लगा ही लेते हैं यहाँ का पर जाना किधर है इधर के उधर बाइक तो इधर से आ रही है तो इधर ही जाना होगा। जो भी आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये सब इस दुनिया से ना बहुत ही अलग है यहाँ पे कोई टूरिज्म वगैरह के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि टूरिज्म के लिए ये कुछ काम करते हैं कि इनको कोई टूरिज्म चाहिए ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे सारे आपको लोकल मिलेंगे माजुली के और टूरिस्ट तो देखो मैं ही हूँ यहाँ पे तो अभी तो वो तो भैया ने बता दिया इसलिए मेरे को पता चल गया। अगर मेरे को भैया नहीं मिलते तो मेरे को शायद ये भी पता ना चलता कि यहाँ पे माजुली में ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। बाकी सब कुछ देख के मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये बैम्बू के पूरे जंगल ये पूरे मर्ड और ये पूरे बैम्बू हाउसेज काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत सुंदर है आप देख सकते हो ये पूरा देखो जंगल देखो पूरा बैम्बू का है तो यहाँ पे सारे। अच्छा उन दोनों ब्रिज से जाना है गुरामुर हॉस्पिटल थैंक यू। देखो भाई बारिश शुरू हो गई है एकदम से यहाँ पे अभी ऐसे चल रहा है बारिश का सीज़न है तो मैं अभी वापस की तरफ टर्न ले रहा हूँ बूंदाबांदी शुरू हो गई है मेरे ऊपर बूंद गिरनी तो फटाफट से कैमरा नीचे करते हैं और मैं पूरा गीला हो जाऊँगा तो उसका कुछ मेरे को कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि कल मेरे को यहाँ से निकलना है आज मेरा लास्ट डे है माजुली में तो बुराली मोरा मैं अभी नहीं जा रहा हूँ आगे की जो थी यहाँ से मैंने 4 डेस्टिनेशन हो गई अब यहाँ से सीधा 5th। ओह वाओ डक देखो आप गुरामुर हॉस्पिटल आई थिंक यही है वो ब्रिज गुरामुर हॉस्पिटल यही है। ये वाला ब्रिज तो काफी बनाया हुआ है ये वही रिवर है पता नहीं यहाँ पे क्यों सूख गई वहाँ पे पानी था मेरे ख्याल से तो वही रिवर है वहाँ पे भी पर ज़्यादा पानी नहीं था थोड़ा थोड़ा ही था तो होगा 3-4 फीट होगा पानी इतना ही होगा मेरे ख्याल से तो कॉर्नर से ही दिख रहा था और ड्रोन शॉट में भी दिख रहा था कि नीचे की पूरी के पूरा लैंड जो था वो दिख रहा था सॉइल पूरी क्योंकि बारिश के सीज़न में ज़्यादा पानी होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योंकि आज जहाँ पे मैं खड़ा होकर ड्रोन फ्लाई कर रहा था फर्स्ट ब्रिज पे जो टूटा हुआ था जिससे बाइक लेके आया था वो पूरा जहाँ पे मैं खड़ा था वो भी पानी के अंदर होता है। तो यहाँ से अभी मैंने अपने वापस होटल की लोकेशन लगा ली है
ये सेकंड ब्रिज आ गया है और यहाँ से मेरा होटल है 2.3 किलोमीटर। इसके नीचे पानी है, इस वाली रिवर के नीचे, तो हो सकता है ये वो वाली रिवर हो और पीछे वाली दूसरी रिवर हो, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा पानी नहीं है मेरे को जितना दिख रहा है, तो 1-2 फीट पानी है बस। पीतांबर गोस्वामी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरमुर माजुली, यहाँ से आ गए हैं बढ़िया रोड। आपको अगर डायरेक्ट अगर इस रोड से जाना हो तो भी जा सकते हो, और भैया ने मेरे को अंदर से इसलिए भेजा था ताकि मैं एक विलेज की खूबसूरती को और यहाँ के ट्रेडिशन को देख सकूं, और यहाँ के जो पूरा वो जैसे यहाँ पे तो देखो पूरे सीमेंट के हाउसेज, सड़कें सब कुछ है, तो देख लो ना पूरे सीमेंट के पूरे देखो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सारी की सारी। तो भैया ने इसलिए मेरे को बताया था ताकि मैं एक पूरी की पूरी ट्राइबल विलेज को अच्छे से देख सकूं, अच्छे से सारी चीज़ें फील कर सकूं, यहाँ माजुली की सारी चीज़ें। क्या नाम है उसका, मतलब पुलिस स्टेशन? अच्छा पुलिस स्टेशन के सामने, सामने है, ठीक है, सामने ही। थैंक यू। मैं यहाँ पे एयर चेक कराने के लिए रुका था, तो मैंने एक बार पहले खुद भी चेक करी थी, भैया ने ही बताया अगर टायर की कंडीशन अच्छी होगी तो हवा अपने आप भरेगी, तो मैंने एयर डलवाई थी 30 और 35 डलवाता हूँ मैं, आगे हो रखी थी 35 और पीछे हो रखी 45, तो मैंने अभी कम करवाई है क्योंकि ज़्यादा एयर ना सही नहीं है, और बढ़ती जा रही है भाई, ठीक है। अभी शंकर देव और पुलिस स्टेशन के सामने खाने का अच्छा है, ये आ गया है पुलिस स्टेशन, ये रहा गरमुर पुलिस स्टेशन, इसके सामने खाने का मल्टी क्यूजिन, यहाँ पे खाएंगे। ओके सो मैंने भी यहाँ पे ऑर्डर करी है वेज थाली, सेम जो मैं हर जगह खाता हूँ वही सब कुछ, और सेम प्राइस है बिल्कुल ही वही 100 रुपीज़। बाहर मेरी बाइक पार्क है, सामने पुलिस स्टेशन है, टेस्ट अच्छा होगा ज़रूर बताऊंगा, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने। अब एक चीज़ तो ज़रूर सोचते होगे कि ये रोज़ सेम चीज़ कैसे खा लेता है, बजट में रहना पड़ता है भाई और कुछ नहीं है, मन बहुत करता है। मैं जब घर पे होता हूँ ना पूरा दिन पनीर खाता हूँ, दिन में 4 बार 4 टाइम पनीर, इतना ज़्यादा मैं पनीर वाला पर्सन हूँ, जिसको क्या बोलते हैं पनीर होलिक बोल सकते हैं, पर बाहर अपने बजट में रहना पड़ता है क्योंकि खर्चा भाई बहुत लिमिट करना पड़ता है, नहीं तो आगे अभी भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ इतना महंगा महंगा पनीर की सब्ज़ी खा सकूं। यह ट्रुथ, मन कर रहा था बताने का तो मैंने बता दिया, क्योंकि कईयों का ये सवाल होगा सेम रोज़ जब भी जाता है हर टाइम लंच डिनर वेज थाली दे दो भैया 100 रुपये में, उसका रीज़न यही है। घूमना मेरी सबसे ऊपर प्रायोरिटी है, उसके बाद खाना कैसे भी मैनेज कर सकता हूँ मैं। और मैं देखो क्या क्या, दाल आलू गोभी और सब्जी है वेज, ये कुछ आलू और मेथी टाइप है, ये अलग तरीके की दाल है, ये मैश पोटैटो चटनी अनियन और लेमन ग्रीन चिली पापड़ राइस। वाह भाई टेस्ट अच्छा था, मेरे को देखो इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है, असामी में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको साइन बता दिया पुलिस स्टेशन के सामने, और ये है इसका बजाज के साइड में, बस इससे बड़ी क्या इंडिकेशन हो सकती है। पास में ही है मेरा गेस्ट हाउस, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि वैसे मैं जब पहले जहाँ पे खाने आता था वो ये है माजुली किचन जो कि आज क्लोज है, तो यहाँ पे आ गया, पास में ही था दोनों जगह। सो बैक टू माई होम स्टे गेस्ट हाउस व्हाटएवर यू से।
सो कल मैंने आके बस रात को यहाँ पे आके डिनर करा और इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं करा। और अभी आज मैं निकल रहा हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि आपको हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने अभी स्टे ले रखा है रेसोंग फैमिली गेस्ट हाउस में। कल यहाँ पे मैंने पहली बार डिनर किया इनकी किचन में। इनके पास दो किचन है देखो, एक है यहाँ की एथेनिक मॉडर्न किचन में, मॉडर्न किचन में मैंने ऑमलेट वगैरह खाया तो बस उतना मैंने। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत काम करा एडिटिंग वगैरह करके और मैं सो गया था। सो आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पूरा ट्राइबल माजुली देखने में, कि उसका जो ब्रिज है वो सारी चीज़ें और जितना भी वहाँ पे जो था बोट ऐसे रोप से लेके जाने का वो सारी चीज़ें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो देखो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। और अगर आपको भी ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। बाय बाय।